हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 2 में आज आप देखने वाले हो इसका 9th एपिसोड राइट टू डाई, जिसके डायरेक्टर हैं रॉब स्मिथ, रॉन्गटन के डायरेक्टर। ये सुन के एक्साइटेड तो हो गए होंगे, तो चलिए फिर ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक मैरिड कपल एबी और क्लिफ की, जो कि रात को अपनी कार में कहीं पर जा रहे थे। एबी थोड़ी नाराज थी, इसलिए क्लिफ उसे मना रहा था। तब एबी अपनी सीट बेल्ट खोलकर पीछे से कुछ उठाने लगी क्लिफ को दिखाने के लिए। दोनों का ध्यान सामने से हट गया था, तभी सामने आ गया एक गिरा हुआ पेड़, जिससे उनकी कार टकरा कर क्रैश हो गई। क्लिफ का एयर बैग खुल गया था, इसलिए वो तो बच गया, लेकिन एबी का नहीं खुला, इसलिए वो जाकर गिरी सीधा गाड़ी के बाहर। उसे काफी चोटें आ चुकी थी, ऊपर से कार का जो फ्यूल लीक हो रहा था वो सारा भी उसी के ऊपर गिर रहा था। वो क्लिफ को बोलती है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, तो क्लिफ बोलता है कि शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तभी कार में आग लग गई और वो आग पहुंच गई एबी तक। एक ही पल में सब कुछ मानो खत्म हो गया। क्लिफ के सामने एबी जिंदा जल रही थी और वो कुछ भी नहीं कर सकता। एबी हिलना डुलना चाह रही थी, लेकिन पैरों में चोट थी इसलिए उठ भी नहीं पाई। फिर क्लिफ की आंख खुली सीधा हॉस्पिटल में, और उसके सामने थी डॉक्टर लोरिंग, जो उसे बताती है कि एबी जिंदा तो बच गई, लेकिन उसकी पूरी बॉडी जल चुकी है और फिलहाल वो कोमा में है। अब वो कुछ भी फील नहीं कर सकती। क्लिफ पूछता है कि क्या वो कोमा से बाहर आ पाएगी, तो डॉक्टर बताती है कि दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए वो आ भी सकती है। हम उसे थोड़े दिनों के लिए जिंदा रख सकते हैं, लेकिन उसे एक फुल बॉडी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तभी वो बच पाएगी। यानी कि उसकी पूरी बॉडी की स्किन बदली जाएगी, और इसके लिए इन्हें एक जिंदा डोनर भी चाहिए होगा जो अपनी स्किन देने को तैयार हो। पर इसके बाद भी वो पहले जैसी नहीं हो पाएगी, ना तो वो बोल पाएगी और ना ही अपना ख्याल पाएगी, तो पूरी जिंदगी क्लिफ को ही उसकी देखभाल करनी होगी। तो जिस सुंदर वाइफ को ये जानता है, वो तो इसे अब नहीं मिलने वाली। क्लिफ बोलता है कि एबी ऐसे जीना नहीं चाहेगी, वो जिंदगी को जीना चाहती थी, ऐसी घुटन वाली लाइफ से बेहतर वो चैन से मरना पसंद करेगी। पर ये तो एबी बताएगी ना, कोई जीना चाहेगा या नहीं वो तो वही इंसान बता सकता है, ना के कोई और। डॉक्टर उसे साफ साफ बोल देती है कि हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो जिंदा रहे, अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसा ना करें और चैन से उसे मर जाने दे, तो तुम्हें लीगल एक्शन लेना होगा, कोर्ट ही इस मामले को देखेगी। यही है टाइटल राइट टू डाई, एबी को चैन से मरने का हक है या नहीं। पर अजीब बात यह है कि ये फैसला और कोई करेगा, ना कि खुद एबी। ध्यान देने वाली बात यह है कि एबी बहुत ज्यादा अमीर है और क्लिफ भी उसी के पैसों पे ऐश करता है। खुद ये एक डेंटिस्ट है, लेकिन इसका काम कोई खास अच्छा नहीं चल रहा। वो अपने वकील दोस्त आयरा को बुलाकर उससे सलाह लेता है कि आगे क्या करना चाहिए। तो आयरा उसे कहता है कि एबी बहुत सुंदर थी और वो खुद को सुंदर ही देखना पसंद करेगी, ना के ऐसे। तो जो उसकी चाहत थी उसे तुम पूरा करो, उसे सुंदर ही मर जाने दो, वो खुद को इस रूप में ना देखे, उसकी इच्छा पूरी करना ही तुम्हारा फर्ज है, तो तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। तब क्लिफ उसे बताता है कि अपने आखिरी पलों में वो मुझसे नाराज थी, क्योंकि मैं उसे चीट कर रहा था। तो आखिरी बात जो मेरे बारे में उसे याद रहेगी वो यही है कि मैं एक धोखेबाज हूँ। आयरा बोलता है कि तुम उसके हक के लिए खड़े रहो, वो तुम्हें माफ कर देगी। क्लिफ अपने आलीशान घर पहुंचा, जो कि एबी ने ही लिया था, और वहां पर उसे पुरानी बातें याद आ रही थी, जैसे कि जब एबी ने इसे रंगे हाथों पकड़ा था। इसके फोन में एक वीडियो एबी को मिली थी, जिसमें ये अपनी असिस्टेंट ट्रिश के साथ रंगरलिया मना रहा था। फिर भी आखिर में एबी ने इसे माफ कर दिया था और ट्रिश को जॉब से निकाल दिया था। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए उसका खाना जल गया, और जल्दबाजी में उसने गर्म बर्तन को छू लिया तो उसकी जान निकल गई। सोचो एबी क्या फील कर रही होगी जब वो जिंदा जल रही थी। इसी बीच एबी के दिल की धड़कन रुक गई, और मरने के बाद उसकी आत्मा पहुंची घर में। वो क्लिफ के पास गई, जो कि बाथ टब में बैठा था, और जहां भी वो पैर रख रही थी पानी भाप बन के उड़ रहा था। वो भी बाथ टब के अंदर चली गई, और फिर वो क्लिफ को दिखाई भी दी, वो भी अपने पहले वाले रूप में। क्लिफ उसे देखकर इमोशनल हो चुका था, तो यहां पर दोनों का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जिसके बीच में ही एबी अपने असली रूप में आ गई, जो क्लिफ के लिए तो एकदम खौफनाक था। वो उसे दूर कर रहा था, लेकिन वो चिपक चुकी थी, और अचानक से वो गायब हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने शॉक देकर उसके दिल को फिर से चालू कर दिया। यानी कि वो जिंदा हो गई, तो आत्मा भी वापस बॉडी में आ गई, पर जहां भी उसने टच किया था वहीं से क्लिफ जल चुका था हर जगह से। इतना तो वो समझ गया था कि ये कोई सपना नहीं था, पर अब ये बात वो बताए किसे। उसने आयरा के पास फोन किया, पर आयरा ने उसकी सारी बात हंसकर टाल दी। तभी घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। क्लिफ ने जाकर देखा तो वो थी एबी की माँ पैम। वो क्लिफ को धमकी देने आई थी कि तू मेरी बेटी को मारकर उसका पैसा खाना चाहता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं उसे बचाऊंगी।
अगले दिन पैम ने मीडिया के सामने जाकर बयान दे दिए और क्लिफ के ऊपर कई सारे इल्जाम भी लगा दिए। अब ये मुद्दा गर्मा चुका। एबी के लिए दो साइड्स बन चुकी थी, लेकिन देखने से तो यही लग रहा है कि एबी के लिए नहीं बल्कि उसके पैसे के लिए। क्लिफ अपने क्लिनिक में पहुंचा जहां के फोन पर उसे भर भर के गालियां मिल रही थी। तभी ट्रिश वहां पर आ गई और वो क्लिफ से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे वापस जॉब पे रख लो। तो क्लिफ ने उसे रख लिया, पर वो फिर से उसके करीब आना चाह रही थी, जिसके लिए वो माना नहीं। यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रिश को भी एबी का पैसा चाहिए, जिसके लिए ये क्लिफ को फंसाएगी। क्लिफ एबी से मिलने पहुंचा तो उसकी डैमेज स्किन को उतारा जा रहा था। तभी क्लिफ को ऐसा लगा कि एबी ने अचानक से उसकी तरफ देखा, इसलिए वो डर के मारे बाहर चला गया जहां पर से मिलने आया था आयरा। वो क्लिफ को बताता है कि एबी की माँ ये सब पैसे के लिए कर रही है, क्योंकि एबी का एयरबैग नहीं खुला था, इसलिए कार कंपनी समझौते के तौर पर इन्हें 10 मिलियन डॉलर्स देगी। तो वही पैसा सारे फसाद की जड़ है, जिसके बारे में क्लिफ जानता ही नहीं। आयरा को भी उसी पैसे का लालच है, इसलिए स्टार्टिंग में इसने वो सलाह दी थी केस लड़ेगा तो मोटा पैसा इसे भी मिलेगा। क्लिफ ने भी मीडिया में बयान दे दिया कि वो अपनी वाइफ के हक के लिए लड़ेगा, उसके मरने के हक के लिए। ये लड़ते रह जाएंगे और वो अपने आप मर जाएगी। इसी बीच ट्रिश भी पूरा पूरा चांस मार रही थी, वो तो क्लिफ उसके जाल में नहीं फंस रहा। उधर आयरा एबी के पास पहुंचा और उसने अपने दिल की सारी बात बोल डाली कि तेरे केस से मुझे भी अच्छा खासा फायदा होगा। उसे लगा कि एबी उसकी बात नहीं सुन सकती, पर वो सुन रही थी। जल्दी क्लिफ भी वहां पर पहुंच गया और आयरा के कहने पर वो फूल भी लेकर आया था मीडिया को दिखाने के लिए। वो जाकर एबी को किस करने लगा, तभी एबी ने उसके होंठ पर काट लिया, जिसके बाद उसकी धड़कन रुक गई। यहां पर क्लिफ को पता चला कि ऐसा पहले भी हो चुका है, इसकी धड़कन पहले भी रुकी थी। इससे क्लिफ को समझ आ गया कि एबी अपनी बॉडी से निकलकर इसके पास आई थी और इस बार वो गई है आयरा के पास, जो के हॉस्पिटल में ही था। वो एमआरआई वाले रूम में चला गया जहां पर एबी ने मशीन ऑन कर दी, तो आयरा जाकर डोर से चिपक गया क्योंकि उसके पास मेटल की चीजें थी, जैसे कि घड़ी और रिंग। रिंग से तो वो कैसे भी करके फ्री हो गया, लेकिन घड़ी से नहीं हो पाया। और इसी बीच एबी रिंग कर उसके पास आ रही थी। जब तक वो फ्री हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। एबी ने उसे जलाकर मार डाला। शोर सुनकर क्लिफ ने आग बुझाई, लेकिन तब तक आयरा का भरता बन चुका था और सिग्नल एकदम साफ है। क्लिफ समझ चुका था कि इस फैसले से एबी खुश नहीं। डॉक्टर ने एबी को फिर से जिंदा कर दिया और अब तो क्लिफ खुद बोल रहा था कि इसे जीना होगा, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। डॉक्टर उसे बताती है कि अगर 12 घंटे के अंदर कोई डोनर नहीं मिला तो हम भी इसे नहीं बचा सकते, यानी कि सुबह 6 बजे तक। एबी की माँ मीडिया में छाई हुई थी कि तभी क्लिफ ने मीडिया में आकर बोल दिया कि मैं एबी को बचाकर रहूंगा, मेरे होते वो नहीं मरेगी। इससे पैम का सारा एजेंडा फ्लॉप हो गया, अब ये क्या करेगी। क्लिफ ने बोला कि हमें एक डोनर चाहिए, अगर कोई है तो जल्दी हमसे कॉन्टेक्ट करे, पैसा अच्छा मिलेगा। फिर रात को जब वो घर पहुंचा तो वहां पर उसे मिले ट्रिश, वो भी आरिया पार वाला काम करने आई थी। उसने क्लिफ को सेड्यूस करना स्टार्ट किया, जो ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। इसकी वाइफ मर रही है और ये इंजॉय कर रहा है, वो भी तब जब वो बिना बॉडी के ट्रैवल कर सकती है। सारे कार्यक्रम के बाद ट्रिश वाइन लेने किचन में चली गई और वहां से वो फोटोज खींचकर क्लिफ को भेज रही थी, पर अचानक उसकी फोटोज में एबी आ गई। क्लिफ भागकर उसके पास पहुंचा और तब तक एबी जा चुकी थी, यानी कि डॉक्टर ने उसे जिंदा कर दिया। लेकिन मैसेज उसका क्लियर था, उसे स्किन चाहिए, वो भी ट्रिश की, तभी मामला शांत होगा। क्लिफ को माफी चाहिए थी, इसलिए ट्रिश को उसने बेहोश कर दिया। फिर जब ट्रिश को होश आया तो क्लिफ उसकी खाल निकाल रहा था और इस बीच ट्रिश का जिंदा रहना जरूरी था क्योंकि स्किन फ्रेश होनी चाहिए। जल्दी उसने सारी स्किन निकाल ली, अब बचा था फेस, जिसके लिए उसने सर काट कर अलग कर दिया। फिर स्किन और सारे बॉडी पार्ट्स के टुकड़े लेकर वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था और ये वही रोड है जहां पर वो सब हुआ था। तो क्लिफ के दिमाग में वही रात चल रही थी और अब जाकर हमें सच पता चलेगा। एबी इससे नाराज थी क्योंकि उसने इसे चीट करते पकड़ लिया था, तो एबी को मनाने के लिए ये उसे ड्राइव पर लेकर निकला था। सीट बेल्ट खोलकर कार के पीछे से वो कुछ उठा रही थी, वो था प्रेगनेंसी टेस्ट। उसने क्लिफ को बताया था कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन क्लिफ को उस बच्चे की शक्ल भी नहीं दिखाएगी। जो इसने किया उसकी कोई माफी नहीं। एबी ने साफ बोल दिया था कि अब तुम्हारा रास्ता अलग है, सारी ऐश खत्म, ना कोई पैसा मिलेगा ना ही घर, अब जा ट्रिश के पास। ये बात दोनों के बीच चल रही थी, तभी सामने वो पेड़ आ गया जिसमें कार क्रैश हो गई। ये तो सच में हुआ था, क्लिफ ने जानबूझकर नहीं किया था, पर असली सच तो आ गया था। कार में जो आग लगी थी वो अपने आप नहीं लगी थी, बल्कि क्लिफ ने खुद लगाई थी एबी के सामने। इसे भी पैसा ही चाहिए था। एबी इससे माफी मांगती रही, वो भी बिना गलती के, पर इसने एबी को जिंदा जला डाला, इसलिए एबी इसके
पीछे लगी है, क्योंकि अब भी ये दुनिया के सामने प्यार का ढोंग कर रहा है। ये एबी को मारना चाहता था ताकि सच बाहर ना आए, पर एबी को बचाना अब इसकी मजबूरी है, वरना एबी इसे नहीं छोड़ेगी। डेड एबी से बेहतर इसके लिए होगी जिंदा एबी, इसलिए ये इतना कुछ कर रहा है। खैर, वो सोच में खोया हुआ था तभी वो पेड़ फिर से उसके सामने आ गया। इस बार कार तो उसने बचा ली, लेकिन अंदर जो ट्रेश के हाथ पैर पड़े थे वो बाहर गिर गए। क्लिफ जल्दी से उन्हें समेटने लगा तभी सामने से पुलिस आ गई। क्लिफ के हाथ पैर फूल गए थे, लेकिन पुलिस थोड़ी जल्दी में थी इसलिए सीधा चली गई। फिर क्लिफ जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा और स्किन लेकर वो जगह जगह फिर रहा था, और अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि एबी कल रात मर चुकी। ये सुनकर क्लिफ का चेहरा ब्लैंक हो गया, क्योंकि उसे पता है कि अब उसका क्या हाल होगा। एबी इसे एकदम नहीं मारेगी बल्कि अच्छे से बदला लेगी। घर जाकर उसने सारी खाल वगैरह डस्टबिन में डाल दी, क्योंकि वो जानता था कि अब ये नहीं बचेगा। वो दरवाजे पर पहुंचा तो एबी ने हंसते हुए उसका वेलकम किया। चुपचाप वो अंदर चला गया और इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। अब एबी हर एक चीज का बदला लेगी। खुद गलती करने पर भी इसने एबी को ही सजा दी थी, तो उसका अंजाम ये भुगतेगा। एपिसोड काफी स्ट्रेट और सिंपल था, लेकिन काफी फन भी था। रॉन्गटन वाले डायरेक्टर का और काम कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, और किस किस ने ये ट्विस्ट स्टार्टिंग में ही गेस कर लिया था वो भी अपने बारे में बता दो, लेकिन ईमानदारी से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको ऐश कराती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय।